पापा को। चलो मैं भी ध्यान रखती हूँ। माँ और अंजलि भाभी के यहाँ टी पार्टी में जाना है। बाय। हाँ थोड़ी थकान लगी पर मजा आ गया। अरे लेकिन आज की कसरत के बाद भी रोशन और गोगी घर जाकर भी कसरत करने लगे। और बार बार मुझसे लस्सी बनवा कर पीते रहे। जितनी कसरत में मैं नहीं थकी ना, लस्सी बनाते बनाते थक गए। रोशन भाभी, अरे मैं तो नाश्ता भी मुश्किल से बना पाई और इतनी थक गई थी कि हमने होटल से खाना मंगाया। मैंने तो एक भी पापड़ नहीं बेला आज, इतनी थक गई थी। मेरा सारा का सारा ऑर्डर पेंडिंग है। अच्छा। और ये भी इतने थक गए ना कि ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी ही दे दी आज। अरे तारक तो इतना थक गए थे कि मैंने उनको खाने में डाइट फूड दिया और उन्होंने चुपचाप खा लिया, कुछ बोले भी नहीं। अरे तो कैसे बोलेंगे, बोलने की ताकत तो होनी चाहिए ना। आज अय्यर को भी इतना बॉडी पेन हो रहा था कि उसने अपने ऑफिस से ही छुट्टी ले ली और पूरा दिन अपने पैरों को गरम पानी से सेक रहा था। सबका एक ही हाल है ना। पर चप्पू के पापा तो घर पे जाते ही ए दया ये हालो अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तय भाभी क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्या है भाभी? हमारे घर का वातावरण भी आप लोगों के घर जैसा ही था। सच में टप्पू के पापा के हाथ इतने दर्द कर रहे थे ना कि एक निवाला भी मुंह में नहीं जा पा रहा था। बोलो। लेकिन आज सबके बदन दर्द को देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं जेंटस लोग कल कसरत पर आने का मना न कर दे। ओगे भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ ना तो सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा। माधुरी भाभी आप टेंशन मत लो। देखो वैसे ये सोफिया दंड के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हम लोगों में से कोई एक भी नहीं आया ना तो भी वो सोसाइटी से पूरे 50,000 रुपए का दंड वसूल करने वाले हैं। हम टेलिंग यू। बाप रे। होना बगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको आना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी को 50,000 का नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और इन्होंने जबान दी है, ये तो पक्का आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये बदन दर्द सह सकते हैं लेकिन 50,000 के नुकसान का दर्द नहीं सह सकेंगे। बराबर, सबको आना ही है। सुनिए सुनिए, मर्दों को कितना भी दर्द हो उनको फैटनेस कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे। अरे दोस्तों आज इस कैंप के बाद तो बदन ऐसा थक के चकनाचूर हो गया है कि हालत खराब है। सही बात है मेहता साहब। अरे मैं भी दुकान जाके शांति से गोडाउन में बैठ के वो भगत से मालिश करवाई तब जाके थोड़ा आराम मिला भाई। पापा जी। देखो भाइयों, चाहे हम लोग आज कितना भी थके हो लेकिन कल सुबह ठीक 7 बजे सब लोग फिटनेस कैंप में पहुँच जाना। अब वरना वो सोफिया सोसाइटी से 50,000 का पेनल्टी लेगा। होता ऐसे खाली हम सबको डराने के लिए वो बोले, बाकी ऐसे रियल में थोड़े को ऐसे 50,000 का दंड वसूलता है। अरे नहीं नहीं जेठालाल, वो सोफिया बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ टाइम पहले बबीता ने सोफिया का फिटनेस कैंप ज्वाइन किया था। एक दिन बबीता फिटनेस कैंप में नहीं गई तो दूसरे दिन उसने बबीता को 5,000 रुपए का पेनल्टी लगाया। ओहो, मतलब सोफिया जी डराती नहीं है, दंड भी वसूल करती है। हाँ दोस्तों, भाई मेरा बस चलता ना तो कल की कसरत से आप सबको बचाने के लिए मैं अपनी जेब से 50,000 रुपया भर देता। अरे नहीं 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 पोपटलाल जी, आप इतना बड़ा बलिदान क्यों करेंगे? नहीं मेहता साहब, ये सिर्फ बोलने की बात है, पोपटलाल थोड़ी अपनी जेब से 50,000 रुपया देने वाला है। पोपटलाल दिखा दो, आज मौका है, दिखा दो पीड़े को कि तुम सिर्फ बोलते नहीं हो, भर सकते हो पैसा, भर दो। मैं क्यों दूं? क्यों दूं मैं? अरे पोपटलाल, अभी तो तुमने बोला और अभी अपनी बात से पलट गए। हाथी भाई, 50,000 रुपए का दंड अगर कोई भरेगा तो वो हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भरेंगे। मैं क्यों? अरे क्या मैं क्यों, सुबह सोफिया जी को 50,000 रुपए का दंड भरने का कबूल तो तूने किया था ना, और कबूल करने से पहले हम सबसे पूछा था। बराबर, बिल्कुल बराबर। अरे क्या बराबर है, मैंने सबके भले के लिए शर्त कबूल की थी। नहीं वो बराबर है लेकिन भाई 50,000 जैसी रकम तुम ऐसे हम सबको बिना पूछे कैसे मंजूर कर सकते हो भाई? एक छोटी सी मीटिंग वीटिंग बुला के सबकी राय तो लेनी चाहिए ना, क्यों मेहता सर?
हाँ सही बात, सही बात। आतिफ भाई। हाँ ये सही बात नहीं है बड़े मास्टर। हाँ भाई भिड़े, 50,000 रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम है, और इतनी बड़ी रकम आप दंड में दे देंगे, ये निर्णय लेने के पहले आपने हम सबसे मशवरा लेना भी उचित नहीं समझा है? क्यों यार भाई? एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप ने। आजमाराम, मैं कृष्णन अय्यर सोसाइटी का ट्रेजरर होने के नाते से कहता हूँ कि तुमको सोसाइटी की कमेटी से परमिशन लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए। अरे कमाल है, आप सभी अचानक अभी विरोध क्यों कर रहे हो? अगर विरोध करने तो सुबह क्यों नहीं बोले? अरे भाई थकान के मारे सुबह ये जबान हिल ही नहीं रही थी। अभी भी ये को हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो इनके कहने का अर्थ है कि सुबह अगर ये कह पाते तो जरूर कहते थे। तो क्या कल तुम लोग फिटनेस कैंप में नहीं आओगे? भाई जिसको आना है आए, मैं तो नहीं आने वाला हूँ। मैं तो कतई नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं तय बात, नहीं नहीं ठीक है फिर। मैं कहता है 50,000 का दंड अपन अपने खिसातून ज भरा जरा। देख बिड़ू, एक आदमी नहीं जाएगा दंड तो भी भरना पड़ेगा, सभी नहीं जाएंगे दंड तो भी भरना पड़ेगा, तो तू एक काम कर और तू भी मत जा, और 50,000 रुपया अब्दुल की दुकान पे रख दे। हाँ बराबर है, और सोफिया जी सुबह आएगी वो ऐसे अपनी क्या बाइक ऐसे उड़ाएगी, उसका असिस्टेंट नीचे गिरेगा, अब्दुल से पैसे ले लेगा, तब तक वो यू टर्न मार के सोफिया जी आ जाएगी, असिस्टेंट बैठ के करके दोनों निकल जाएंगे। यानी दुकान 7:45 खोलना पड़ेगा? हाँ। अरे एक मिनट, मैं कोई अपने जेब से पैसे नहीं भरने वाला हूँ। मैंने सुबह जो भी निर्णय लिया था सोसाइटी के भले के लिए लिया था। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं अभी के अभी सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं टाइप ही करके आता हूँ ना। अरे वो एक मेवा सेक्रेटरी साहब, आइए 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 इधर आइए। अरे ऐसा हूँ, बाप रे सेक्रेटरी साहब तो बहुत तप गए। टापू नका साहेब, टापू नका, हम सब मजाक कर रहे हैं। इस्तीफा दे के आता हूँ। राख सोड़ा प्या सोड़ा। सीरियस हो जाता है, मजाक समझता नहीं। अरे आप लोग अब तक गप्पे लड़ा रहे हैं, चलिए घर, 11 बज गए हैं। याद है ना सुबह शार्प 7:00 में फिटनेस कैंप के लिए मिलना है। हाँ, हाँ। देखिए अगर एक भी नहीं आया ना तो सोसाइटी को 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे बबीता जी चिंता मत करिए, 50,000 क्या, हम सोसाइटी को 5 रुपए का भी नुकसान होना नहीं देंगे। क्यों भाइयों? अरे तारक, आप अभी तक काम कर रहे हैं, सोना नहीं है? सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए, चलिए सो जाइए। अरे जिंदगी में तुझे क्या दूं ना, रात को देर तक काम, सुबह जल्दी उठना, बिल्कुल नहीं आराम, और फिर कंपाउंड में जाके व्यायाम, और फिर तुम्हारे हाथों के बने काढ़े का मजा। जिंदगी है कि सजा? क्या क्या कहना क्या चाहते आप? मेरा काढ़ा, सजा? तो कहना क्या चाहता हूँ अंजलि, एक तो सुबह सुबह जल्दी उठो, उसके बाद ये कंपाउंड में भाग दौड़ करो, कसरत करो, ये दो टॉर्चर कम है कि तुम ये संतरिष्ट वंतरिष्ट लेके आ जाती हो? वो तो मैं कल भी बनाऊंगी और सबको पिलाऊंगी। हाय कितनी तारीफ कर रहे थे सब मेरी। ओ, मुझे पता कैसी तारीफ कर रहे थे। क्या कुछ कहा आपने? नहीं नहीं मैं ये कह रहा था कि बाबा सोसाइटी में कितना उत्साह था ना सब लोगों में। हाँ ये बात तो है तारक, सब कितने खुश थे। एग्जैक्टली, लेकिन सोसाइटी में जब सारे लोगों को मैं इतने उत्साह में देखता हूँ और इतना एक्साइटमेंट चारों तरफ देखता हूँ तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे डर क्यों लगेगा भला, इसमें डरने की क्या बात है? पहला दिन इतनी अच्छी तरह से हंसते खेलते गुजर गया, आगे के और 2 दिन भी गुजर जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो अंजलि। गोकुलधाम सोसाइटी में हम सारे लोग जब बहुत उत्साहित होते हैं ना, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। कोई गड़बड़ नहीं होगी तारक, आप इतना मत सोचिए, चलिए सो जाइए, जल्दी उठना भी है। हाँ लेकिन तारक आप सोते हैं कि लाओ काढ़ा? नहीं नहीं सो रहा हूँ भाई, सो रहा। चलिए टपू के पापा सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना।
अरे भाई बेडरूम में आया हो तो सो ही जाऊंगा ना, क्रिकेट थोड़ी खेलूंगा। आपको एक बात बताने तो भूल ही गई। कौन सी? आज शाम को माँ का फोन आया था और मैंने माँ को जब बताया कि आपने कसरत करना शुरू कर दिया है तो माँ जोर जोर से हंसने लगी। इसमें इतना जोर जोर से हंसने वाली क्या बात है? टप्पू के पापा माँ खुश के मारे हंस रही थी और माँ ने कहा कि जो मेरा जो ऐसे ही कसरत करते रहेंगे ना तो एक ही महीने में सुंदर वीरा जैसे हो जाएंगे। हाँ, जैसे तेरा सुंदर वीरा पतला है। आपसे तो पतला ही है। अरे जा जा, अबे वो तो शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनता है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। अब कहे तभी चेक करना, उसका पेट मेरे पेट जितना ही है। ठीक है तो चेक कर लेते हैं, कल ही वीरा को बुला लेती हूँ। अरे भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तेरा वीरा पतला है, बस सो जा चुपचाप। चल पापा, आपको एक और बात बतानी भूल ही गई। कौन सी? माँ कह रही थी कि आप कसरत करके पतले हो जाएंगे ना तो माँ आपको एक गिफ्ट देगी। अच्छा क्या? एक नया नाम, सेव भी कभी गाठिया था। ए चक्री, सो जा चुपचाप। धावा 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 सके धावा, चल चल अब्दुल चल। अरे यार आज फिर 7 राउंड, आज भी बॉडी की बैंड बच जाएगी। अरे यार तुम ये छाता क्यों लेके आ गए फिर से, कल रखवाया था ना तुमसे दूर। वो तो योगा के टाइम पे रखवाया था मेहता साहब, दौड़ता वक्त छाता मेरे साथ ही था। अभी मुझसे दूर रखो भाई इसको, मैं ही आपसे दूर हो जाता हूँ। अरे यार 7 राउंड। बबीता जी, सुबह सुबह दौड़ने का मजा ही अलग है। नहीं एब्सोल्युटली, सुबह सुबह जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू, आपकी वजह से हम सबको यह अनुभव प्राप्त हो रहा है ना। यू वेलकम। अरे जडला क्या धीरे धीरे दौड़ रहा, जल्दी जल्दी दौड़ो, पीछे भी लोग दौड़ रहे हैं। अरे तो इतना जगह खाली पड़ा, जाओ ना, आपको आगे जाना तो जाओ। चलो बबीता। ओके निकलो, बाद में मिलते हैं। यार भाई बातें करा रहे हैं भाई, खाली फोकट। किधर बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बस लगे रहिए, चलिए। देखा जेठालाल, एक सुविचार से कितना फर्क पड़ गया। कौन सा सुविचार? अरे मेरा सुविचार। तेरा कौन सा सुविचार? भूल गए, मैंने लिखा था बोर्ड पे, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुविचार तूने बनाया है। अरे ये तो मोहन जो दौड़े थे ना वो टाइम से है। कौन मोहन जो दौड़े थे? अरे शिक्षकों के मालूम नहीं है मोहन जो दौड़े, प्राचीन संस्कृति। अरे वो मोहन जो दौड़ो था, क्या बोल रहे तुम जेठालाल, दौड़ो दौड़ो। मोहन जो दौड़े थे, कठिन है। वेरी गुड गोकुल धाम, वेरी गुड। हाँ हो गए 7 राउंड। वैसे आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, कल जितने टाइम में आप लोगों ने 5 राउंड पूरे किए थे, आज उतने ही टाइम में आपने 7 राउंड मारे हैं। का मतलब आपका
बॉडी स्टैमिना बढ़ रहा है। ब्रावो। थैंक यू। मुबारक हो जेठालाल, 7 राउंड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। धीरे बोल भाई, वरना और 2 राउंड दौड़ाएगी। हम अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब कल की तरह एक हाथ डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। पोपट लाल, समझ गया। छाता रख देता हूँ मैं, अभी रख देता हूँ। एक हाथ आते भाई। मैं एक बात फिर से याद दिला रही हूँ, स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी से जितनी स्ट्रेचिंग हो सकती है उतना ही करना है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, समझ गए ना? आराम से। गुड, अब जैसा मैं करूंगी वैसा आप सबको करना है, ऑलराइट? थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस रखिए अपने दोनों पैरों के बीच। आगे की तरफ घुमाइए। यस, वेरी गुड, कम ऑन, पूरा हाथ घुमाइए आदि भाई, वेरी गुड। वेरी गुड। अरे वाह, ये आसन तो आसान है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा घुमाइए पीछे की तरफ, वेरी गुड जेठालाल। थोड़ा इसमें जोर आ रहा है। वेरी गुड, ये मुश्किल है थोड़ा। या भाभी बहुत अच्छे। पोपट लाल, गुड। वाह, देखिए जेठालाल कितना स्ट्रेच कर रहे हैं अपने बॉडी को। अपने आप हो जाता है। लेकिन उतना ही करिए जितना बॉडी स्ट्रेच हो सकती है। अब हाथ नीचे लाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, ऐसे जितना हो सकता है, और अपनी कमर को ऊपर वाला हाथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां झुकाना है, ऐसे जितना हो सके, ठीक है? फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे, और कमर उसी डायरेक्शन, समझ गए? क्लियर? हाँ बिल्कुल। अरे वो ऐसे एक डांस भी था ना ऐसा। ओके गोकुलधाम, लेट्स गो। बबीता जी, बराबर कर रहा हूँ ना मैं? हाँ जीठा जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये दया भी बराबर कर रही है ना? हाँ बिल्कुल। जेठालाल, कसरत खत्म हो गई है,
अब आप सीधे खड़े रह सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। जनरल टाइम पास मत करो, सीधे खड़े हो जाओ। अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार भाई, सीधा होना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ। जेठालाल भाई मजाक मत करो, बहुत हो गया मजाक, चलो खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, चलो चलो। टप्पू के पापा और बहुत कसरत करनी बाकी है, चलिए सीधे हो जाइए। वही वही बहू, इसे और कसरत ना करनी पड़े इसीलिए सीधा नहीं हो रहा है। ए भाई चलना, अभी सीधा हो जाना। पप्पू जी आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में अटक गया हूँ। उफ, मुझे जिस चीज का अंदेशा था वही गड़बड़ हो गई। मुझे आशंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी और आखिर हो गई। भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में यही होता है, जब उत्साह का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं से पनौती का पत्थर आके उस घड़े को फोड़ देता है और सारा उत्साह बह निकलता है। अब देखिए ना, इस बार ये उत्साह का पत्थर लगाया आके जेठालाल की कमर पर, और अतिरिक्त उत्साह में की गई एक्सरसाइज की वजह से जेठालाल की कमर टेढ़ी हो गई है, लचक खा गई है, मचक खा गई है, जो कुछ कहिए आप। लेकिन अब इस टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते निकालते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हर रास्ता रुकेगा आंखों पर। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक सोचिए कि टेढ़ी कमर सीधी कैसे होगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।